नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। रामदेव की दवा में सेक्स और उन्माद, लालू का पलटवार। गौमांस के मुद्दे पर रामदेव द्वारा कंस कहे जाने के बाद राजद प्रमुख लालू यादव ने भी योग गुरु रामदेव पर पलटवार किया है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक लालू ने कहा है कि रामदेव महाराज नहीं दवा बेचने वाला है, यह साधु नहीं स्वादु है। उन्होंने कहा कि बीच में खबर आई थी कि रामदेव की दवाओं में सेक्स और उन्माद है। लालू ने कहा कि जब मैंने काले धन का सवाल उठाया तो सबसे ज्यादा शोर रामदेव ने ही मचाया था। नयनतारा सहगल के बाद अशोक वाजपेयी ने भी अकादमी पुरस्कार लौटाया। हिंदी के प्रख्यात लेखक एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी ने कन्नड़ साहित्यकार M.M. कुलवर्गी की हत्या एवं देश में दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिशों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के विरोध में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। मंगलवार को अंग्रेजी की मशहूर लेखिका एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल ने भी अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी। इंद्राणी मुखर्जी की अस्पताल से छुट्टी, पुलिस को दर्ज कराया बयान। शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने यहां जे अस्पताल से छुट्टी मिलने के शीघ्र बाद पुलिस के पास अपना बयान दर्ज कराया। पिछले शुक्रवार को जिन परिस्थितियों में वह बेहोश हो गई थी उस बारे में उन्होंने बयान दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य IG जेल ने चिकित्सकों की मौजूदगी में इंद्राणी का बयान दर्ज किया। चीन में तूफान मुजगी के कारण 19 लोगों की मौत। चीन में तूफान मुजगी के कारण 19 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य लोग लापता हैं। यह इस वर्ष का 22वां तूफान है। गुआंगडोंग प्रांतीय नागरिक मामलों के विभाग ने कहा कि गुआंगडोंग में पिछले 2 दिनों में तूफान के कारण चली तेज हवाओं की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 3 लोगों की मौत गुआंगझू के बाहर पान्यू जिले में और 4 की मौत फोशान के शुंदे जिले में हुई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।